Please take a moment to subscribe by pressing the bell icon on the YouTube app to never miss another update from Bolly to Box. छोटे पर्दे पर सर्कस और फौजी जैसे शोज के साथ शाहरुख खान वैसे ही टेलीविजन जगत में फेमस थे, लेकिन फिल्म दीवाना की रिलीज के बाद तो मानो उनकी किस्मत ही बदल गई। जी हाँ, ये तो सभी जानते हैं कि शाहरुख खान ने फिल्म दीवाना के साथ ही बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में वो ऋषि कपूर और दिव्या भारती के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे थे। शाहरुख की इस फिल्म को ऑडियंस ने बेहद पसंद किया और ये फिल्म रातों रात हिट हो गई। इस फिल्म की रिलीज से पहले शाहरुख को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो भी बड़े स्टार बन सकते हैं, पर जब राकेश रोशन ने उन्हें कहा की फिल्म चल गई है तो वो काफी खुश हुए। मगर असली खुशी तो उन्हें सलमान खान के पिता सलीम खान ने दी। हुआ ये कि जब शाहरुख खान रास्ते से जा रहे थे तो सलीम खान ने उन्हें आवाज देते हुए कहा, भाई तुम्हारी पिक्चर चल गई, मैं अभी नाई की दुकान से आ रहा हूँ, वहाँ कोई शाहरुख खान कट बाल कटाने आया था। इस एक स्टेटमेंट से शाहरुख को एहसास हो गया कि उनकी फिल्म सक्सेसफुल हो गई है और वो स्टार बन गए हैं। फिर क्या, वहाँ से किंग खान और फिर बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस तक का सफर काफी इवेंटफुल रहा और आज शाहरुख खान कई फैंस के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। हालांकि हाल ही में उन्होंने अपनी कोई भी फिल्म अनाउंस नहीं की है, लेकिन फिर भी वो आज भी अपने अनगिनत फैंस के दिलों में राज कर रहे हैं। फिलहाल बस इतना ही, मगर बॉलीवुड की ऐसी कई मजेदार कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने कॉमेंट्स नीचे दिए सेक्शन में शेयर करते रहिए।